साहेब जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहेब सत्य समान है। मैं बंदगी साहेब की करूं, मेरा साहेब ही भगवान है। साहेब जग में महान है। साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब साहेब। जो लग दृष्ट जीव कर होई, तो लग झिलमिल देखो सोई। दोनों दृष्ट दाएं जिन देखा, कैसे झिलमिल रूप अलेखा। झिलमिल रूप काल कर मानो, हृदय सत्य ताएं जिन जानो। इस तरह वो दोनों में उलझाएंगे, बाकी चीज़ों में उलझाएंगे। वो भी कहेंगे कपाट के अंदर सब कुछ भरा पड़ा है। कुछ कुछ निर्गुण हमरो लीना, तारतम्य पोथी एक दीना। राह चलावे ब्रह्म को ज्ञाना, कर्मी जीव बहुत लपटाना। और कर्म को ही स्थापित करेंगे, कर्म से ही सब कुछ मिलेगा। कमाई कर, उसमें काफी जीव उल जाएगा। वो न मैं पंथ सुनो धर्मदासा, दूत विशंबर केर तमाशा। राम कबीर पंथ कर ना, निर्गुण सर्गुण एक मिलाओ। पाप पुण्य कर जाने एका, ऐसे दूत बतावे टेका। बोला एक ही बात है, निर्गुण सर्गुण वो राम कबीर पंथ चलाएंगे। ये सब चीजें साहेब पहले बोलकर गए, 600 साल पहले बोलकर गए। वो आज हम सबको दिखाई दे रही है। अब मैं दसवें पंथ बताऊं, नक्टा नैन दूध करना हूं। सतनामी कह पंथ चलावे, चार वर्ण जीव एक मिलावे। ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रभाव, वैश्य शूर सब एक मिलाए। सतगुरु शब्द चीने भाई, बांधे टेक नर्क जीव जाई। काया कथनी कह समझाई, सतपुरुष की राह न पाई। वो क्या करेगा, सबको मिक्सिंग करके कहेगा। वो कहेगा भाई ठीक है सेकुलर रहो, वो अच्छी बात है वो भी, तो पर जीवों को भ्रमित कर देगा। आज भी नाना मत मतांतरों में लोग उलझे हुए हैं, सच्ची भक्ति उन्हें नहीं मालूम है। साहब के शब्दों में कितना वजन है, 600 साल पहले वो ये शब्द बोल करके जा रहे हैं। जो जीव पर के शब्द ममसो निस्तरे, जम जालते गहे नाम प्रताप अविचल, जाए लोक अमानते। जब सच्चा नाम प्राप्त हो जाएगा, अमर लोक की तरफ जाएगा। पुरुष शब्द हैं सार सुमरो अमी अमोल गुण, हंस होए सो पार मन बच कर्म जो दृढ़ गए। पंथ एकादश कहूँ बिचारा, दुर्गदानी सो दूत तपारा। जीव पंथ कह नाम चलावे, काया था प्राह समझाए। वो कहेगा आत्मा ही सब कुछ है, वो कहेगा आत्मा ही सब कुछ है। ऐसा पंथ चलाएगा जो ये कह रहे हैं, सो हम जो तू वो मैं। ठीक है, हम सो हम के खिलाफ नहीं बोल, पर साहब की वाणी भी ले रहे हैं। साहब ने तो वाणी में कहा, जो जन होई हैं जोहरी, रत्न ले हैं बिलगाए, सोहंग सोहंग जप मुआ मिथ्या जन्म गवाए। सोहंग नाम जीव कर होई, अब कहूं द्वादश पंथ प्रकाशा। दूत हंस मन करे तमाशा, वचन वंश घर सेवक होई। प्रथम करे सेवा बहुत होई, पाछे अपनो मत प्रकटाए, बहुत जीव पंथ। वाह, बोला तुम्हारा नाम लेकर, तुमसे ही नाम लेकर अलग पंथ चलाए। जो मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, इसके पीछे कई रहस्य हैं। इसलिए मेरा एक ये शब्द बड़ा विरोध उत्पन्न कर रहा है। जो मैं कह रहा हूँ, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में कहीं नहीं, वो ये है कि नाम के साथ ये एक चेतन चीज़ देता हूँ जो 24 घंटे आपका संचालन करती रहती है, तभी आप चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चल पाएंगे। अगर आप सत्य पर चल रहे हैं, ये आपकी क्षमता नहीं है। वो ताकत आपको जैसे रेल का पहिया ट्रैक पर दौड़ रहा है 150-160 की स्पीड में, राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रन कर रही है, 4 इंच चौड़ा 3 इंच चौड़ी पटरी है, उससे पहिया इतनी स्पीड में दौड़ रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, क्योंकि हर पहिए के साथ ट्रैक व्हील गाइड है, वो उसको उतरने नहीं दे रहा है। एक ताकत आपके साथ वो है, आपको लाइन से नहीं उतरने दे रही है। आप कितना भी ताकत लगाए, वो नहीं उतरने दे रही है। नाम पाए जीव जब,
संग्रह में दास कबीरा, नाम पाए सत्य जब बीरा, संग्रह में दास कबीरा। बोला ये चेतन ताकत रहेगी, जब ये ताकत, वो मैंने धर्मदास तुझे भी दी है, इस ताकत के आगे निरंजन का जोड़ नहीं चलेगा, आप दुनिया से निराले हैं, क्योंकि दुनिया के ऊपर इसका जोर चल रहा है, ऋषि मुनि गण गंधर्व सबको नचा रहा है, साहब की वाणी की तरफ देखना, वो बोल रहे हैं मने निरंजन सबे नचाए, सबको नचा रहा है, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा ये सब करें मन ही की सेवा, मन की सेवा, मन कहता है सो जाओ, सब सो गए, ये है मन की सेवा, मन कहता है घूमने चलो, सब घूमने चल पड़ते हैं, यह है मन की सेवा, मन कहता है खाओ, खाने लगे, यह है मन की सेवा। वाह साहिब कह रहे हैं गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा ये सब करें मन ही की सेवा, ये मन के गुलाम है, पीर पैगंबर कुतुब औलिया काल निरंजन सबको दलिया, माताएं बहने दलती है ना दाल या दलिया, बोला सबको दल दिया उसने, सिद्ध साधक और जोगी जत्ती एक कोई खोज न पाए रत्ती, मन को कोई चीन न पाए, ये सबको नचा रहा है, पर नाम होए तो मात नवाबे, इसलिए गुरु अलौकिक ताकत जब देता है तब ये अंतर के विरोधी समझ में आ जाएंगे, नाम बिना हर इंसान कमजोर है, नाम बिना हर इंसान वीक है, ऊंच वही जो नाम है जाना, नाम बिना सब नीच पखाना, जागट नाम न संचरे तिसको जान मछाण, जैसे खाल लोहार की सांस ले बिन प्राण। हम सब इस समय वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, यहाँ हर चीज़ को प्रमाणित किया जा रहा है, जितनी भी संसार और अंतरिक्ष की गतिविधियाँ हैं वो सभी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई जा रही है, इसलिए आदमी काफ़ी चेतन हो गया है, संचार माध्यम भी बड़े सशक्त हो गए हैं, हर चीज़ें आदमी को जितने भी आविष्कार कर रहे हैं वैज्ञानिक, जितनी भी खोजें कर रहे हैं, जितने भी शोध कर रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं, सब प्रत्यक्ष में दिखा रहे हैं, हर चीज़ यथार्थ में प्रत्यक्ष अनुभव हो रही है। भाइयों तो क्या गुरु की आवश्यकता इस युग में भी है? गुरु की कैसी आवश्यकता? हम सब वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं तो क्या इस युग में भी हमें अभी भी गुरु की आवश्यकता होगी क्या अंदर की दुनिया में जाने के लिए? हाँ, नितांत आंतरिक संसार में जाने के लिए हम सबको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी, हम सबको गुरु की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्या साधना के सूत्र, स्मरण के सूत्र, ये सब आंतरिक यात्राओं के सूत्र क्या ये किताबों में नहीं दिए जा सकते हैं? क्या ये कलमबद्ध नहीं किए जा सकते हैं? इस सब के बावजूद हमें एक गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ गई? वाणियों में गुरु का महात्म आ रहा है, जरूर हमें गुरु तत्व पर चिंतन करना होगा। ऐसा क्या कारण है कि बिना गुरु के हम इस संसार सागर से पार नहीं हो सकते? गुरु की कृपा की भी नितांत आवश्यकता पड़ेगी। साहिब वाणी में कह रहे हैं भव सागर का पार नाम बिना पावे, बिन सदगुरु पावे नहीं भव सागर का पार, बिना सदगुरु के ये जीव भव सागर से पार नहीं हो सकता है। फिर वाणियों में आ रहा है, रामायण में भी इसका उल्लेख है, गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना इस संसार सागर से कोई भी नहीं तर सकता है, चाहे बिरंच ब्रह्मा जी शंकर शिव जी क्यों न हो। इसलिए हम देख रहे हैं कि उन लोगों ने भी गुरु धारण किया। साहेब भी कह रहे हैं बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय, वेद शास्त्र भी गुरु का महात्म बोल रहे हैं। आखिर
ऐसी क्या अवस्था है, ऐसी क्या विशेष चीज है जो हम सब गुरु के बिना प्राप्ति नहीं कर सकते, या हम सब गुरु के बिना संसार सागर से तर ही नहीं सकते। हम सबको निष्काम भाव से इस विषय पर चिंतन करना हो, क्या रहस्य है आखिर गुरुवाद में। साहब एक बात बोल रहे हैं कि हर एक मनुष्य के अंदर विरोधी शक्तियां बहुत ताकतवर है। जिन ताकतों ने इस आत्मदेव को अब्बाद करके रखा है, बंधन में डाल कर रखा है, उनसे ये इंसान अपनी क्षमता से किसी भी कीमत में नहीं पार पा सकता है, किसी भी तरह नहीं जीत सकता है, किसी भी तरह इन पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। इसका मतलब है कि हम सबको जन्म मरण और शरीर के बंधन में बांधने वाली ताकतें कहीं ताकतवर हैं। विरोधी शक्तियां बड़ी प्रबल है, जो हम सबको चाहे अनचाहे भी अपने बंधन में डाले हुए हैं। हम सम्यक रूप से दुनिया में एक चीज देख रहे हैं, अगर थोड़े लोग इसमें बंधे होते, थोड़े नहीं तो कहते कि थोड़े लोगों की गलती है, लेकिन जब हम देख रहे हैं विरोधी शक्तियों की ताकत और प्रभाव सभी पर सम्यक रूप से है, इससे ये लगता है कि वो ताकत सच में बड़ी प्रबल है। एक दो होए ताएं समझाऊं, कह रहे हैं एक दो हो तो उसे समझाएं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किसको समझाऊं सब जग अंधा। वाह वाह वाह, अंधा भी कह दिया, अंधा इस भावना से कहा अंदर के विकार कभी समझ में नहीं आ रहे हैं, इंसान आंतरिक विकारों को पढ़ नहीं पा रहा है, अपने अंदर में निवास करने वाले काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि बड़े प्रबल हैं, पकड़ में नहीं आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, इन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, ये बहुत जोरदार हैं। जिन्होंने ऐसी ब्रह्म स्वरूपनी आत्मा को बंधन में डाला हुआ है, पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई, जब तक ये जीव किसी भी कीमत में इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है, जो अंतर में निवास करने वाली शैतानी ताकतें हैं वो आत्मा को जकड़े हैं, जकड़े तो हैं जकड़े हैं। जीव पड़ा बहलूट में ना कछ लेन न देन, हम सब देख रहे हैं सही में बिना मतलब के ये आत्मा जकड़ी हुई है। जो जो काम हम अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं या दुनिया में जितने भी हम कर्म देख रहे हैं, इनमें से कोई भी कर्म आत्मा के अनुकूल नहीं है, आत्मा के हित में नहीं है, आत्मा के कल्याण के लिए नहीं है, आत्मा के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर हम सब अपने जीवन की दिनचर्या को देखें, जीवन शैली को देखें, तो जितनी भी हम क्रियाएँ कर रहे हैं वो समस्त क्रियाएँ केवल शरीर के पालन पोषण के लिए हैं, शरीर के को स्थिर रखने के लिए, शरीर के सुरक्षा के लिए, शरीर के सुख के लिए। आत्मा सर्वथा शरीरियत से दूर है, आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा में इंद्रियां नहीं है, आत्मा में मन बुद्धि चित्त अहंकार का अभाव है, आत्मा संकल्प विकल्प से भी परे हैं। किसी भी देश काल में जब इसका विघटन नहीं हो रहा है, कमती बढ़ती नहीं है, सुख दुख दोनों से परे हैं। सुख दुख दोए जगत के भेवा, ये जो सुख और दुख की अनुभूति हम कर रहे हैं ये मात्र हमारा मन है, आत्मा इनसे परे हैं। ऐसी आत्मा फिर बंधन में क्यों? साहेब वाणी में कह रहे हैं एक दोए होए ताएं समझाऊं, कह रहे हैं भाई एक दो हो तो समझा दें, सभी भुलान है पिटवा के धंधा। इसका मतलब यह है कि जिन ताकतों ने हम सबको जकड़ा हुआ है ताकतवर हैं, कह रहे हैं अगर एक दो हो तो उसे समझाऊं,
पर सबई भुलान है पिटवा के धंधा, माया ने सबको जकड़ के रखा है। दुनिया के अंदर भ्रमित एक दो नहीं है, यानी इस मन का प्रभाव, विरोधी शक्तियों का प्रभाव संसार के अंदर जितने भी लोग हैं सब पर हैं। ये ताकतवर ताकते हैं जिन्होंने आत्मा को जकड़ा हुआ है, जिन्होंने आत्मा को भ्रमित किया हुआ है, इनकी पकड़ में आत्मा है। साहिबाणी में कह रहे हैं एक दो होए तहां समझाऊं, भाई एक दो तो समझाऊं, यानी कॉमनली इन सब का असर हम सब के ब्रेन पर ताकत से पड़ रहा है। ये ताकतें चाहे अनचाहे, जाने अनजाने, हम सब पर नजर रख रही है, हम सब पर नियंत्रण रख रही है। और इस भवसागर से पार होने के लिए आदमी बड़ी चेष्टा कर रहा है, कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेउ न पावत पारा। कह रहे हैं बहुत से तपस्वियों ने घोर तपस्याएं भी की, घर छोड़कर सन्यासी भी हो गए, पर ये जकड़न जो थी मजबूत थी, नहीं छूट पाई। जब इतनी बड़ी बड़ी महान विभूतियां जिन्होंने घोर घोर तप किया, उनकी तपस्या को स्थिर नहीं होने दिया, डिस्टर्बेंस किया उन ताकतों ने जो अंदर में रहने वाले हैं, तो आज कलयुग का एक साधारण आदमी अपनी क्षमता से, अपनी कमाई से, अपनी अपने कृत से, अपनी चेष्टा से, अपनी कोशिश से, अपने परिश्रम से, इस संसार सागर से कैसे पार हो सकता है? ये इंसान इनसे निकल नहीं पाएगा। हम सब अपने जीवन में भी देख रहे हैं, कभी कभी इंसान ऐसे हैवानियत के काम कर बैठता है जो कतई उसको शोभनीय नहीं है, लेकिन बाद में उसको ये एहसास होता है कि मैंने ये काम ठीक नहीं किए। आखिर वो काम करने वाला भी तो वही था ना, पछताने वाला भी वही है। सवाल उठा उसने क्यों किया, इसका मतलब है कि उस समय उन विरोधी शक्तियों का वेग इतना तेज था कि चाहे अनचाहे उस इंसान से वो काम करवा लिए, इसलिए इंसान ये गलती कर बैठा। सम्यक रूप से वो ताकत दुनिया के सभी लोगों को बांधे हुए है, और जैसे बाजीगर बंदर को नचा रहा है, इस आत्मदेव को वो ताकतें नचाए जा रही हैं, नचाए जा रही हैं, नचाए जा रही हैं। इसका मतलब है हम अपनी क्षमता से, अपनी ताकत से, अपने बल से उन ताकतों को किसी भी कीमत में अपने काबू में नहीं कर सकते, चाहे हम अपना कितना भी दिमाग लड़ें। एक बात साफ सी हो रही है, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोटिन करे उपाय, बिना सदगुरु के बचेगा नहीं, चाहे ये करोड़ों उपाय क्यों नहीं करे, चाहे ये कितनी भी चेष्टाएं क्यों नहीं करे, पर ये किसी भी कीमत में अपने अंदर की इन विरोधी ताकतों से कभी भी नहीं बच सकेगा। यहां पुरुष शक्ति जब आन समाई तब नहीं रोके काल कसाई। आखिर ये सदगुरु क्या देता है, संगी।